44.25 क्या सही है? सब आया? आया ना? आ गया होगा? नहीं गया होगा, आओ मेरे साथ आ गया होगा। धन काम का तो एब्सेंट भी देता हूँ एब्सेंट। हाँ, एक क्लास में एब्सेंट तो दोनों में नहीं था। आपके लाइक तो है। हाँ, जुली आया? हाँ। आया ना? स्टेटमेंट सेवन है। पॉइंट? सेवन है। सेवन भी गलत आ गया। 44 आया ना एक तरफ में। आपको इतना कंफर्टेबल है इसमें? इसमें तेरी करनी है। तो ठीक है। हाँ, पूजा आया। सेकंड आ गया। निरंजन। मैं तो हमें जो कर लेके सब आ चुका है आप लोग अभी। नहीं, ये सेम हंस गई। ठीक है जो रिवाइज कर रहे हैं आप ध्यान देंगे पॉइंट के बाद में हम लोग वन लिखते हैं उस पर टू लिखते हैं फोर लिखते हैं इधर में हाफ इसका आधा एक का आधा तो 0.5 और फिर उसका आधा पॉइंट ठीक ये हमारा पॉइंट ऐसा जगह है जिससे आधा एक वन टू डबल 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 हाफ 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 तो फिर हम लोग जहाँ जहाँ पर वन है उसको ऐड करते हैं तो वन जहाँ जहाँ पर है यानी कि यहाँ पर एक वन है यहाँ पर एक वन है यहाँ पर एक वन है ये सब और यहाँ पर तो इसको हम ऐड करेंगे तो बन जाएगा 32 प्लस 44.25 इंडसिंग ठीक वेरी चल तो चूंकि एक पर्सन ट्रेड कर गया और ये भी अभी क्या कर रही है तो वन 1 0 0 1 1 point 1 0 1 in binary is equal to 1 in decimal. कितना है?
अच्छा दिखा रहे ठीक है, इसका मतलब वीकनेस दिख रहा है यहाँ पर, दिखा रहे देख लीजिए यहाँ पर, अगर इस तरह का प्रॉब्लम चल रहा है होना तो नहीं चाहिए था, मतलब मैथ वीक है। वन का आधा, जब आधा करते हैं तो ये बड़ा नंबर ले लीजिए, वन मत लीजिए, तो सर थाउजेंड ले लीजिए, इसको मान लीजिए 1000, तो पॉइंट के बाद देखिए 500, ठीक। अब 500 का हाफ कितना होगा, 250 होगा, तो 250 लिखिए, फिर उसका हाफ तो 125, ये सिस्टम ही चलिए आप, तो इसमें आपको फिर मिस्टेक्स नहीं होगा, इसको और इसमें ऐड कर रहे हैं तो 500 प्लस 125 दैट इज 625, ठीक। रोक दे होगा यहाँ पर, आगे चले चले आगे आगे चलते हैं। अगला है हमारा 75.375 इन डेसिमल इज इक्वल टू 1 इन बाइनरी, क्या है कि 75 चाहिए
तो इस नंबर में से चुनते हैं, इसको मिला करके 75 हो जाएगा, और हमेशा लेफ्ट से शुरू करेंगे, राइट से नहीं शुरू करेंगे। 64 plus 8 plus 3, that is 75, 375, ये दोनों नंबर 250 plus 125, 375 होता है, यहाँ 0 बना देंगे, और that is minus, point वाला, point को कितना था 375, 375 अगर आपको चाहिए, तो 500 तक नहीं ले सकते, तो लिख दीजिए नहीं लेंगे, 0 तक नहीं लेंगे, और फिर 250 ले सकते हैं, 375 से कम है, तो ले लिए, तो 250 लेने का 25 आ सकता है। Next, 135.875 in binary, this part of, sorry, what is this? 0100000111 ये सब रफ में कर ले रहे हैं, अभी फिलहाल रफ में कर ले रहे हैं, इधर इधर बाद में कर ले। नहीं सर, वहाँ कंप्यूटर का स्टार्ट नहीं, स्टार्टिंग का यही 3 क्लास किए, फिर वहाँ पर से जॉब का प्रॉब्लम हो गया था इसलिए। जो भी उसके पास लिखने वाला जगह है, उसमें से जब वो पढ़ता है,
तो उसका आंख का समझिए कैपेसिटी है, इतना बड़ा चीज को एक साथ पढ़ता है, उसे छोटा चीज पढ़ ही नहीं सकता। यानी कंप्यूटर कभी भी एक बोले को पढ़ो तो नहीं पड़ेगा, पढ़ने को तो यहाँ से सीधे आना पड़ेगा, उसका कैपेसिटी होता है। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक वो बोलते हैं वन वर्ड। वर्ड का साइज भी अलग अलग होता है, लेकिन हम सबसे छोटा जो वर्ड हो सकता है वो 8 बिट का होता है। किसी किसी का 32 बिट का वर्ड होता है, किसी किसी का 64 बिट का वर्ड होता है, वर्ड साइज डिफर करता है, लेकिन हम मान के चल रहे 8 बिट का वर्ड है। तो 8 बिट का वर्ड है तो यहाँ इतना तो निकालेगा। तो कंप्यूटर में सारे के सारे स्विचेज और स्विचेज में 0 और 1 लिख सकते हैं। तो हम लोग बात किए थे कि अगर यहाँ पर आप कुछ बोलेंगे लिख रहे हैं, जैसे बोलेंगे 22, तो 22 बोलेंगे तो 22, ठीक है ना, 22 हो गया। तो 22 यहां से यहां तक 22 लिखा गया, क्या हम सही सही रिप्रेजेंटेशन दिए हैं? नहीं दिया ना, जीरो जीरो हो गया। तो कि कभी भी स्विच ऑन डिटरमाइंड पोजीशन में नहीं रहेंगे, और बल्कि हर जगह तो 0-0 रहेगी, 0-0 नहीं है, कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। उसके लिए किसी को याद है क्या होता है? गार्बेज वैल्यू। अगर यहाँ पर 0 के सीरीज है तो गार्बेज वैल्यू, गार्बेज तो पूरा पड़ा हुआ है, तो गार्बेज पड़ा हुआ है और आप कहीं भी अगर रिजर्व करेंगे जगह को तो गार्बेज वैल्यू तो रहेगा। तो अब इसमें इतना दूर में हमने बात किए थे कि मैक्सिमम कितना रख सकता है, पिछले क्लास में बात करें हमारा सुनाई थी, पिछले क्लास में नहीं आई थी, कितना सकता है? नहीं, हम तो बता रहे 8 बिट, तो एन कहाँ से आए? तो हम लोग बात किए थे कि 8 बिट में 0 से लेकर 255 तक आ सकता है। फिर हम लोग 16 बिट की बात किए, 16 होता तो मैक्सिमम नंबर ये होता। इस नंबर में प्लस माइनस नहीं है, तो प्लस माइनस नहीं है तो इस तरह का नंबर क्या बोलते हैं? तो हम लोग अनसाइंड नंबर के बारे में पढ़ चुके हैं। अनसाइंड नंबर में साइन नहीं होता है और कंप्यूटर में एक लिमिटेशन है कि कितना तक मैक्सिमम आपके कनेक्ट नहीं हो सकता है। घंटा का भी क्लास छुटा हुआ है पिछला। तो अच्छा, हमको और भी जानना भी था, अच्छा याद आ गया, क्लास का टाइमिंग हमको चेंज करना चाहिए। तो जानना किससे, एक आप से जानना है, प्रॉब्लम में ये काम पर है कहाँ काम है। एक तो आपने प्रॉब्लम सॉल्व करते थर्सडे का, ये से क्लास को हम हटा दे रहे हैं वहाँ से, और कर दिया आपको, तो हमेशा ही रह गया कंप्यूटर क्लास। और अब वेट लिस्ट में कहाँ काम रखा होगा, किस दिन है जो आप नहीं जा पाएंगे? किस दिन आ पाएंगे मैं सो बता दें। ट्यूजडे के 11 बजे जब आप आएंगे, 7:30 बजे। अच्छा वो सुनना, आप लोग का 9:30 बजे आने का प्रॉब्लम है? नहीं, 9:30 बजे आ जाएंगे। 9:30 बजे आ जाएंगे तो, और तो कोई है नहीं तो कौन सा डे सर? 9:30 बजे सर, मंडे को छोड़ के। तो मंडे को छोड़ के तो हम लोग ट्यूजडे को देखने से रहेगा, हम लोग वेडनेसडे पर थर्सडे कर ही सकते हैं। थर्सडे 9:30 किसी प्रॉब्लम है? ये बहुत फोकस्ड होकर ही समझा जा सकता है, थोड़ा भी दिमाग भटका तो गए। अगला मत ये भी बता दे कि एग्जाम में जो अभी पढ़ाएंगे
डिटेल तो कभी नहीं पूछेगा, लेकिन लास्ट कंक्लूजन पूछेगा। नहीं समझ पाए तो याद रख लीजिएगा कंक्लूजन को। चलिए पहले समझा दिया बात को। बात यह है कि हम लोग साइन नंबर पास करते हैं। साइन नंबर का बात करने के लिए अपन ऊपर जो टाइम सकते हैं साइन नंबर, अगर इधर में लिखा है, अगर साइन नंबर ये मेरे पास मेरे लिए एग्जाम्पल के लिए सबसे अच्छा चीज है सूटकेस। सूटकेस में नंबर देखिएगा, नंबर लॉक होता है सबसे वही भूलते हैं। नंबर लॉक लगा दिए और उसके बाद अगर दो चार मिनट कटिंग नहीं हुआ तो सूटकेस में काम का नहीं रह जाएगा, क्योंकि नंबर याद नहीं रहेगा कि नंबर डाले जाए। तो सूटकेस है, तो इस सूटकेस में हम लोग नेचुरली ये डेसिमल नंबर सिस्टम फॉलो करता है, तो इसमें जीरो से लेकर नाइन तक घुमाने वाला होगा, इसमें लोग ऐसे लोग तो मिनिमम नंबर कितना लिखा है जीरो 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 करिश्मा से पूछेंगे जीरो 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 करिश्मा मैक्सिमम नंबर क्या लिख पाएंगे, उसमें पासवर्ड सेट करना है सूटकेस का, मैक्सिमम नंबर क्या होता है ट्रिपल नाइन, तो ये ट्रिपल नाइन ये हो गया हमारा मैक्सिमम। तो चलिए मैक्सिमम मिनिमम टू मैक्सिमम, अगर ऐसा सूटकेस होता जिसमें कि नेगेटिव नंबर भी होता, ठीक नेगेटिव भी होता, तो नेगेटिव अगर होता तो क्या करें, नेगेटिव होता तो पहला बार इससे पूछिए हम साइन, नेगेटिव होता तो कहां पे नेगेटिव का साइन होता करिश्मा, नेगेटिव का होता ना जैसे जीरो टू नाइन है घुमा रहे हैं, तो किस बॉक्स में वो प्लस माइनस मिलता है, ये तीनों में से किस बॉक्स में रुका इसमें मिलता ना, इधर रखे क्या करेगा पहला मिलता, तो यहाँ पर प्लस माइनस होता, प्लस हो सकता था और माइनस हो सकता था, अब घुमा के जो सेट करना था नीचे और यहाँ पे नंबर हो गए। इस जगह को हम लोग बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। मोस्ट सिग्निफिकेंट इसकी क्योंकि सबसे बड़ा वैल्यू इसी पास, अगर ये इतना बड़ा होता तो मोस्ट सिग्निफिकेंट कौन होता, फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता। चलिए अपन की नीम है, तो ये हो गया प्लस माइनस। अब यहाँ पर भी तो कुछ लिख पाएंगे ना, तो फिर मेरा क्वेश्चन है सेकेंड बेंच से कि इस केस में मिनिमम कितना लिख पाते और मैक्सिमम कितना लिख पाते। सूटकेस बदल गया, सूटकेस में देखिए एक बॉक्स में तो प्लस माइनस ही होता है और बाकी में जैसे जीरो टू नाइन, तो जीरो टू नाइन आएगा, तो मिनिमम कितना लिख पाएंगे और मैक्सिमम कितना लिख पाएंगे, नहीं वो सेकेंड बेंच आ रहा है, मैं पूछ रहा है जीरो से जीरो मिनिमम है मैक्सिमम है और मैक्सिमम कितना लिख पाते नाइन, केवल नाइन सही है, कुछ बोलना है तेरे से, कुछ बोलना है हाँ रूपा कुछ बोलना है मिनिमम और मैक्सिमम, हाँ माइनस नाइन, माइनस नाइन से नाइन या माइनस वन, अरे ऐसे केस कर माइनस वन से मतलब हम बोल रहे मिनिमम कितना लिख पाएगी, सूटकेस दिखा रहा है, सूटकेस में पहला वाला में प्लस और माइनस लिखा होगा, बाकी में जीरो टू नाइन जीरो टू नाइन, इसमें भी जीरो टू नाइन जीरो टू नाइन, तो इसमें कितना नंबर मैक्सिमम सेट हो सकता है और कितना मिनिमम सेट हो सकता है वो पूछ रहे हैं। दो ही जगह पर हां नहीं अभी तो आप पूछिए, बात करते हैं मैं पूछ रहे हूं, हां हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो हम बता देंगे। हां मिनिमम माइनस नाइन और मैक्सिमम हाँ सेकंड बेंच माइनस वन, आप क्या बोल रहे हैं पूजा, कुछ बोल रही थी मैक्सिमम जीरो से है और मिनिमम मिनिमम माइनस नाइन, तूने मैं भी कर रही है माइनस नाइन नाइन नाइन, अच्छा और प्लस नाइन जीरो नाइन 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 होगा प्लस है, सुमन कुछ बोलना है और टू मार्क्स अच्छा आप ये सोचते देख लिया हाँ बोलिए क्या क्या हो रहा है धन का क्या होगा माइनस नाइन मिनिमम और मैक्सिमम,
And you see maximum? Plus 9. सर दो ही बॉक्स है ना माइनस 9 9 प्लस 9 9 दो लोगों का एक्सेप्ट किए तीन लोगों का एक एक्सेप्ट किए तीन का ध्यान में नहीं है था तीन लोगों का एक आपका आप सही बोले आप भी सही बोले और ए भी सही बोले बाकी गलत हो गया बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है वो बात है कि यहाँ पर तो या तो प्लस हो गया माइनस हो गया यहाँ पर तो ऑप्शन ही नहीं है दो ही है ना आप बोले थे क्या बोले प्लस नाइन माइनस नाइन गलत बोले थे तभी तो बोले गलत हो अच्छा ठीक है आप बाकी बचे दो बॉक्स में या तो आप 9 मैक्सिमम डाल सकते हैं डाल सकते हैं तो ये मैक्सिमम पॉजिटिव चला गया वो ना पॉजिटिव और मैक्सिमम अब मिनिमम पे तो जीरो नहीं होगा जो तो पीछे भी जाएंगे ना नंबर लाइन के हिसाब से नाइन बोल रहे हैं प्लस नाइन और माइनस नाइन बोले थे और हम बोल रहे हैं प्लस नाइन नाइन और माइनस नाइन नाइन ठीक अब सोचिए हम एक दूसरे से लिख के नहीं करता ठीक तो प्लस नाइन नाइन से क्लियर है ना रुपा क्या ठीक है क्लियर है सबसे बड़ा और पॉजिटिव में भी सबसे बड़ा हो जाएगा ठीक है ना क्लियर इसका मतलब नंबर जो होते हैं उनका एक होता है साइन ठीक और एक होता है मैग्नीट्यूड होता है मैग्नीट्यूड तो मैग्नीट्यूड की सबसे बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड इसमें ज़्यादा आ रहा है नहीं 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 बड़ा नंबर है मैग्नीट्यूड 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 हाँ वैल्यू ठीक है ना तो वैल्यू तो अगर टर्म में बात करें तो बड़ा नंबर क्या होता है लेकिन जैसे साइन दे रहे तो मैंने चुप के लिए गिर जा रहा है साइन को रखा है मैंने चुप छोटा छोटा है ना इसका मैंने चुप थोड़ा बड़ा है यानी कि साइन देने से मैग्नीट्यूड कम होता है तो क्लियर जो हम बिना साइन का जो लिख पा रहे थे वो साइन देके नहीं लिख पाए आगे आए यहाँ पर वापस आ इसमें हम लोग यहाँ पर सब में वन लिख दे रहे थे और इसका वैल्यू बोल रहे थे 255 एज्यूम करना प्लस है assumption तो इसको ऐसे बोलते हैं unsigned क्योंकि sign दिए नहीं assumption है कि plus है ठीक ठीक है यहाँ से आता क्यों नहीं है signed number है unsigned unsigned है sign अगर इसी हिसाब से देना होगा तो यहाँ पर plus minus देना पड़ेगा यहाँ plus minus की जगह छोड़ देंगे ना तभी ना पता चलेगा कि इतना दूर plus है कि minus है यहाँ plus minus assign जाएगा ठीक तो अब हम ये जानना है आप लोगों से जानना है कि अनसाइन नंबर जीरो से जीरो भी लिखते हैं अनसाइन नंबर जब लिखना था तो मिनिमम जीरो ठीक और मैक्सिमम 255 अच्छा रूपा सोच रही होगी 255 कहाँ जीरो तो समझ रही होगी सब जीरो तो जीरो 255 इसलिए क्योंकि यहाँ पर वन है यहाँ टू है यहाँ फोर है यहाँ एट है सबको भी छोड़ेगी तो 255 आ जाता है ठीक है क्योंकि कहीं जीरो है तो किसी छोड़ नहीं सकते सब मार्क करते हैं सभी जोड़ना ठीक तो फिर भाई क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर हम यहाँ साइन के छोड़ दें तो यहाँ मैक्सिमम कितना लिख पाएंगे 127 ठीक है चलिए अब तो फास्ट हो तो सब में वन हो जाएगा और माइनस अभी लिखे तो सब में वन हो जाएगा यानी इसका वैल्यू होता है 127 प्लस माइनस प्लस माइनस ये होगा माइनस है क्या प्लस ठीक धन का क्लियर है ना 127 कहाँ से होता है 127 128 माइनस वन हो जाएगा ठीक
इसको जोड़ेंगे सब तो आ जाएगा सीधा सवाल वन प्लस टू जोड़ के दिखा दें अच्छा दिखाई दे रहा है वन टू फोर एट सिक्सटीन थर्टी टू सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर प्लस थर्टी टू नाइन्टी सिक्स नाइन्टी सिक्स प्लस सिक्सटीन वन एट ट्वेल्व प्लस एट वन ट्वेंटी प्लस फोर वन ट्वेंटी फोर प्लस टू वन ट्वेंटी सिक्स प्लस वन ट्वेंटी सिक्स ठीक ठीक है तो ये तो हमारा एक बात तो कंप्यूटर में क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या यहाँ पर प्लस माइनस लिख सकते हैं छः जीरो नहीं होगा ठीक है कंप्यूटर में स्विच या तो जीरो होता है या वन होता है तो यहाँ पर हम लोग कन्वेंशन ये है इस बिट को अगर हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोल रहे हैं और साइंड नंबर देना है तो कंप्यूटर इस जगह को साइन जैसा ट्रीट कर सकता है यानी कंप्यूटर को बोलेंगे अगर जीरो है तो पॉजिटिव समझना और अगर वन है तो नेगेटिव समझना ठीक है ये कन्वेंशन है वन इज नेगेटिव एंड जीरो इज पॉजिटिव कन्वेंशन तो ऐसे ही इसका मतलब जीरो वन 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 इज प्लस वन ट्वेंटी सेवन एंड पूरा वन माइनस वन ट्वेंटी सेवन ठीक ये समस्या में एक प्रॉब्लम इसमें इस नोटेशन में प्रॉब्लम है इसको हम बोलते हैं साइंड बिट नोटेशन ऐसा बोलते हैं साइंड बिट नोटेशन प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये नंबर लिखा हुआ हो ऐसा और ऐसा ये तो करिश्मा सोच के बोलिएगा कि जीरो मतलब पॉजिटिव वन मतलब नेगेटिव और ये भी साइन बिट ही है कंप्यूटर को बता चुके हैं क्योंकि हम बोले हैं कि साइन बिट तो कंप्यूटर के लिए ये पूरा का पूरा नंबर क्या है और पूछा जीरो तो है कहाँ से नंबर से सब तो जीरो है दोनों जीरो आप बोलेंगे कि यहाँ पे क्यों ऑनलाइन सर वही सोच रही है ना इसलिए वहाँ ऑनलाइन सर कि सब वन है सबको जोड़ना पड़ेगा यहाँ क्या जोड़ेंगे सब तो जीरो है कुछ तो चाहिए ही नहीं ठीक तो ये हो गया हमारा जीरो सुमन ये नंबर तो कंप्यूटर का पड़ेगा यहाँ से देखिए यहाँ रूपा बोल सकती है जीरो पड़ेगा इसको भी तो जीरो ही पड़ेगा पड़ेगा ना लेकिन इसको माइनस जीरो पड़ेगा इसको प्लस जीरो पड़ेगा जब मैथमेटिक्स में कोई स्कोप नहीं है कि प्लस जीरो भी लिखना माइनस जीरो कौन लिखता है और जीरो को दो दो तरीका से लिखने का जरूरत क्या है जब जो देखिए टाइप का होता है तो ये एक प्रॉब्लम दे गया है हम अभी जो कुछ बताए इसको हम लोग बोलते हैं साइन बिट नोटेशन साइन बिट नोटेशन इसमें प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम है ये हमारा प्रॉब्लम दे गया ठीक तो कंप्यूटर में साइन बिट नोटेशन के लिए जो सिस्टम चलाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री नोटेशन तो वन्स कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट का बात कर रहे हैं आगे बढ़े तो समझ में आ जाएगा हम ये बताना चाह रहे हैं कि कंप्यूटर में नेगेटिव नंबर कैसे लिखते हैं कैसे लिखते हैं एक रास्ता है कि इसको आप जीरो और वन नेगेटिव पॉजिटिव कर दीजिए हो गया ठीक है अगर आप ऐसे करेंगे तो ये जो होगा ये प्लस जीरो माइनस जीरो लिखने लगेगा कंप्यूटर समझने भी लगेगा हमको नहीं चाहिए ऐसा तो एक नोटेशन है उसको हम बोलते हैं वॉन्स कॉम्प्लीमेंट नोटेशन तो मैं समझते रही बात वॉन्स कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा कि जो भी नंबर लिखा हुआ है कितना लिखा लिख के एट है कितना लिखा एट है सर अच्छा वो बोल रहे हैं थर्टी सिक्स तो तरीका एक होता है कि वॉन्स कॉम्प्लीमेंट नोटेशन में क्या करते हैं सबको उल्टा कर देते हैं सबको उल्टा कर देते हैं मतलब कि ये 40 है अगर तो अगर बोलेंगे कि कंप्यूटर को माइनस 40 लिखो तो सबको उल्टा कर देंगे और सबको नोटेशन मतलब ये माइनस 40 है आप बोलेंगे माइनस 40 कैसे है इसका वैल्यू तो 64 है नहीं 64 नहीं है ये तो वन बता रहे हैं कि हम नेगेटिव है ठीक है तो कंप्यूटर कैसे पढ़ेगा
कैसे पढ़ेगा उसको, कैसे पढ़ेगा उसको, मेन पहले ऊपर वाला को, ऊपर वाला को पढ़ने के लिए कंप्यूटर को पढ़ने का तरीका उसका लॉजिक दिखा रहे हैं, कंप्यूटर जीरो पॉजिटिव नंबर ऐसा सोचेगा और ये चलो यहाँ से तक पढ़ लेते हैं पूरा, तो पूरा पढ़े तो पढ़ पता चल गया दो दे तब बोला प्लस को, कंप्यूटर को बोले इसको पढ़ो, तो फिर इसको देखा बोले तो नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर है वन जीरो वन लगा हुआ है, तो कंप्यूटर क्या किया कि उसको तो पता है ना कि अगर वो नेगेटिव है तो इसको उल्टा किया गया है, तो फिर से उल्टा कर देगा, तो आप पढ़ने के टाइम में क्या करेगा यहाँ से लिखा साइन, यहाँ से लिखा साइन, साइन समझ गया साइन, मैग्नीट्यूड क्या है क्या नंबर है, तो बोलेगा जीरो 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 वन जीरो वन जीरो जीरो, अब यहाँ से लेके यहाँ, यहाँ से कितना आ जाएगा आ गया माइनस फोर्टी, हम यहाँ नहीं लिख रहे माइनस फोर्टी, यहाँ लिख रहे क्योंकि माइनस का साइन यहाँ से आएगा और मैग्नीट्यूड यहाँ से, ठीक इसका बोलते हैं हम लोग वॉन्स कंप्लीमेंट नोटेशन, ठीक ठीक है, लास्ट में ले जा रहे हैं लास्ट पार्ट में, बस उतना ही तो समझना है, इसके बाद कंप्यूटर साइंस धीरे धीरे हम लोग बहुत आसान हो जाएगा, यही समझ वाला एरिया है। कंप्यूटर में एक और नोटेशन चलता है उसका हम लोग बोलते हैं टूज कंप्लीमेंट नोटेशन, टूज कंप्लीमेंट, टूज कंप्लीमेंट नोटेशन हम यहाँ सिखा रहे हैं, फिर वहाँ पर उसका डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, जीरो जीरो वन जीरो वन जीरो जीरो जीरो, ये नंबर पहला बात निरंजन, ये नंबर पॉजिटिव है नेगेटिव, क्लियर है पॉजिटिव, इसका नेगेटिव करते हैं हो गया ना नेगेटिव, ये नोटेशन का नाम धन तक क्या है, इस नोटेशन में होते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट, ऐसा बोलते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट, ऐसा नाम ही है इसका वंस कॉम्प्लीमेंट, तो टूज कॉम्प्लीमेंट क्या है, प्लस वन, टूज कॉम्प्लीमेंट है प्लस वन, जो वंस कॉम्प्लीमेंट में वन जोड़ दिया तो टूज कॉम्प्लीमेंट, अब जोड़ना सिखा रहे बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर 10 वन और वन नहीं, वन जीरो होता है, वन प्लस वन कितना होता है 10, वन प्लस वन टू 10 होता है, पहले तो देख चलते हैं 1 प्लस 1 होता है 2 होता है ना, तो 2 तो होता है लेकिन लेकिन हम फाइनली में 2 लिख ही नहीं सकते, 1 0 लिखेंगे, ठीक, तो यहां पर 1 1 मिला के 1 1 0, जब दो नंबर को जोड़ने से सिंगल डिजिट को जोड़ने से डबल डिजिट आ जाए तो एक ही नीचे आता है, एक क्या नहीं होता हो जाएगा, फिर 1 1 जोड़ने से कितना आएगा 2 10 है 1 0 सीखने को सीख गए, लेकिन लेकिन इसमें कंप्यूटर ट्रिक लगाता है, ट्रिक क्या लगाता है आपको चेक छोड़ते हैं, इसको छोड़ सब ऐसे छूटा हुआ रहेगा, हम बहुत मजा देंगे समझ लीजिएगा, पहले कंप्यूटर इसमें ट्रिक लगाता है, ट्रिक क्या लगाता है कि वो बार बार काम करके एक बात समझ चुका है कि जो नंबर ओरिजिनल है, ये नंबर मेरा प्लस 40 मेरा ओरिजिनल नंबर, यही सब कैसे शुरू किए थे ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर का या पॉजिटिव नंबर का नेगेटिव कैसे लिखेंगे, नेगेटिव एक तो रास्ता है कौन सा नंबर निकालो फिर वन जोड़ फिर लिखो, दूसरा रास्ता देखिएगा वो क्या गेस किया कि नेगेटिव नंबर ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, ये नंबर नेगेटिव है नेगेटिव, तो नेगेटिव है तो वो क्या देखा कि पॉजिटिव का नेगेटिव कैसे होता है, ये जीरो है तो यहाँ जीरो है, ये जीरो है तो यहाँ जीरो है, पॉजिटिव और नेगेटिव दिखा रहे हैं, यहाँ जीरो है तो यहाँ जीरो है, यहाँ वन है तो यहाँ भी वन है, यहाँ तक तो सबको साथ ही चल रहा है, और इसके बाद देखिए उल्टा हो जाएगा, यहाँ जीरो है वन, यहाँ वन है, यहाँ वन है तो यहाँ जीरो, यहाँ जीरो है तो यहाँ वन है, यानी कंप्यूटर एक बात समझा कि टूज कंप्लीमेंट नोटेशन नेगेटिव नंबर कैसे लिखते हैं, जितना जीरो है सब लिखो वन तक और वन के आगे के बाद सबको उल्टा कर, ये भी तरीका होता है काम करने का, नेगेटिव नंबर को लिखने के लिए सीधा सा रास्ता ये है जीरो वन जीरो वन जीरो जीरो वन वन, पहले जीरो दिखाते हैं जीरो, ये सही ना पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये नंबर पॉजिटिव नेगेटिव है, क्यों
चेंज है, जीरो से हुआ है तो पॉजिटिव है, नेगेटिव बना रहे हैं तो कंप्यूटर क्या करेगा, जीरो का जीरो, वन का वन, जैसे वन मिला सब उल्टा, वन वन जीरो वन जीरो, ठीक है क्लियर। एक बार दिखाएं, जीरो 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 वन वन जीरो वन वन, वन का वन, वन तो पहले ही मिल गया तो जीरो वन जीरो जीरो वन वन, ठीक है क्लियर है। अब पढ़ना सिखा रहे हैं, कंप्यूटर को पढ़वा रहे हैं, कंप्यूटर को बोल रहे हैं कंप्यूटर पढ़ लो इसको, तो कंप्यूटर करिश्मा, कंप्यूटर क्या डिसाइड किया, पॉजिटिव नंबर है तो वैसे ही पढ़ लेगा, यहाँ से अगर पढ़ लेगा तो कितना आएगा आंसर, वन टू फोर एट सिक्सटीन थर्टी टू सिक्सटी फोर, सिक्सटी फोर प्लस थर्टी टू प्लस टू, ठीक है तो हो जाएगा 97 100 होगा क्या, तो 98 होगा, 98 होगा, ठीक है ना, 98 को 99 इसको पढ़ने जा रहे हैं, इसको पढ़वा रहे हैं, देखिए हम कैसे पढ़वा रहे हैं, पढ़वा रहे हैं तो हाँ आप बताइए कि ये पॉजिटिव डिसाइड करेगा नेगेटिव, नेगेटिव क्यों, वन है तो वन देखते ही बोल नेगेटिव, तो वो तो नेगेटिव नहीं है। पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो काम पहले इसके साथ किया था वही काम इसके साथ करेगा क्योंकि वहां पहुंचा है। बाइनरी नंबर में खास बात यह है कि ऑपरेशन को रिपीट कर दीजिए तो फिर वापस हो जाएगा, क्योंकि जीरो तो है ही, उल्टा करेंगे तो फिर वही पहुंच जाएंगे, तो इसको नेगेटिव करने के लिए वो क्या करेगा, टूज कॉम्प्लीमेंट, इसका भी नेगेटिव पर नेगेटिव कर रहा है, इसका नेगेटिव और नेगेटिव पर नेगेटिव, तो इसका नेगेटिव पता ही कैसा होता है, अब पूरा पढ़ने से एक नंबर मिल गया ना, तो नेगेटिव और फिर नेगेटिव, ठीक आगे देखें, आगे किससे बात करें, धन का इसको पढ़ते समय कंप्यूटर क्या सोचेगा, पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर है तो साइन है, क्या करेगा उसके साथ पढ़ना है, उसको क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, सीधा पढ़ लेगा, पॉजिटिव नंबर को पढ़ने के लिए कुछ नहीं किया जाता है, ऐसे पढ़ लिया जाता है, तो पढ़ लेगा, तो पढ़ेगा तो वन, अच्छा ऐड करना है, ऐड करना पड़ेगा, ठीक, वन टू फोर एट सिक्सटीन, सिक्सटीन प्लस एट ट्वेंटी फोर प्लस थ्री कितना है, ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी सेवन। अगला करिश्मा, इसमें क्या डिसाइड किया, नेगेटिव है तो नेगेटिव, अब नेगेटिव के लिए क्या करेगा, ये इसको पढ़ा तो वही आगे चल के सर, ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट नोटेशन, टूज कॉम्प्लीमेंट नोटेशन ही कंप्यूटर में यूज होता है। अब बात है कि क्यों यूज होता है, लास्ट नंबर एकदम लास्ट पॉइंट आ रहा है कि क्यों यूज होता है, आखिरकार इतना सारा माथा पच्ची की है, इससे भी तो काम चल ही रहा था, चल रहा था, और ये ध्यान रखिएगा नेगेटिव नंबर में, नेगेटिव नंबर में ये पूरा पढ़ता है यहाँ से यहाँ, ठीक है, अब यहाँ पर भी यहाँ तो छोड़ेगा नहीं, हो गया जो साइन डिसाइड करना था कर लिया, यहाँ पर डिसाइड किया था, यहाँ डिसाइड किया था, फिर यहाँ से यहाँ पढ़ा, फिर यहाँ डिसाइड किया था नेगेटिव यहाँ पे और ये पढ़ा, ठीक, तो क्यों, क्यों कि इसमें यहाँ पर एक प्रॉब्लम हम दिखाए थे, प्लस जीरो माइनस जीरो, तो प्लस जीरो माइनस जीरो को टूज कॉम्प्लीमेंट में सोचते हैं कि टूज कॉम्प्लीमेंट में होता तो क्या होता, सोचते हैं आप लोगों से पूछेंगे, जीरो 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 करिश्मा, आप बताइए कंप्यूटर इसको पढ़ते समय क्या डिसाइड करेगा और क्या पढ़ेगा, जीरो पढ़ेगा, कुछ डिसाइड किया पॉजिटिव, अब पॉजिटिव ऐसे ही पढ़ लेगा तो क्या लिखिएगा, प्लस जीरो, या चलिए जीरो कर दे इसको, प्लस जीरो जीरो, नेगेटिव वाला मेन देख लेते हैं, तो यहाँ पर ये मेरा प्रॉब्लम था ना, ये नंबर देखते हैं, वन जीरो 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 जीरो, सुमन इस नंबर में कंप्यूटर क्या डिसाइड करेगा, नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव नंबर को पढ़ने के लिए क्या करेगा, यही थोड़ा जगह निकालते हैं, यहाँ जगह निकालते हैं, पढ़ने के लिए क्या करेगा, साइन नेगेटिव नंबर
करने क्या करता है? चेंज करेगा तो चेंज करवाए बोलिए वन आया पलटने के लिए तो कुछ है ही नहीं। हम बोले थे कि पढ़ते समय पूरा पढ़ता है पूरा, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 255। ये कहा माइनस का काम हो गया ना 255 थोड़े कि हर बार फिर हम मिलेगा फिर माइनस फिर वो तो फिर प्लस जाएगा लोग में वो माइनस तो जीरो में ठीक है। ऐसा है ना समझिए बात को, ये जो एरिया है माइनस तो डिसाइड किया उसके बाद एक बार क्या करता है उसको चेंज करता है, चेंज किया पॉजिटिव साइड में जाएगा तो पॉजिटिव में ले आने के लिए सब चीजों करके हम लाया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक पड़ेगा साइन दे दिया, साइन क्या दिया नेगेटिव, साइन नेगेटिव रेड है तो रेड दे रहे तो साइन दिया नेगेटिव, इसको बोला है नेगेटिव नंबर है बोला ना yes. कितना नेगेटिव तो कितना नेगेटिव इतना नेगेटिव इतना नेगेटिव तो उसको क्या बोलेंगे कितना आप बोलेंगे कितना नेगेटिव हुआ आप इतना दूर फॉलो किए ना कि नेगेटिव जा रहा है तो कितना नेगेटिव अमाउंट कितना माइनस सबसे सुने 256 आगे तो है पूरा लेगा तो हम कहीं ज्यादा कर दिए हैं तो हमको तो यही गलत किए थे ना, हमको तो यहाँ पे बन गया ठीक है वो तो मेरा मिस्टेक दूसरा टाइप का है कर दिए कर दिए आप ठीक कर दिए चलिए मेरा मिस्टेक था यहाँ पर वन देखा तो नेगेटिव 256 माइनस 256 अच्छा हम जोड़वा अच्छा हम जोड़वा अच्छा जो बोल दिए बोल दिए अच्छा सुन लीजिए 1 2 4 8 16 32 64 सब तो जीरो 128 हो गया हमने स्टार्टिंग वाला जोड़ लिया तो ये माइनस को साइन दिया और इसको पढ़ करके बोला 128 ठीक क्लियर है सब ना क्लियर ना आपको क्लियर है आगे वाला अगर ऐसे लिख पाते तो इसको माइनस जीरो पड़ता लेकिन हम टू कॉम्प्लीमेंट में गए हैं तो इसको तो माइनस 128 पड़ रहा है तो हम एक नंबर मिला चुका कहने का मतलब है आप समझिए बात कि अगर आप साइन बिट यूज कर रहे हैं साइन बिट तो लिखा जाएगा 8 बिट में कंप्यूटर कितना लिख सकता है प्लस 127 से माइनस 127 लेगा। अगर हम टूज कॉम्प्लीमेंट यूज करें तो 8 बिट में ये प्लस 127 तो लिखा है ये इसको तो पढ़ने की उसका नहीं है ना जीरो है तो सब पढ़ लेगा 127 लेकिन माइनस में ये क्या लिख पा रहा है टू कॉम्प्लीमेंट में माइनस 128 लिख पा रहा है जो कि टू साइंड बिट में पास हो रहे ये वाला बस लास्ट ही बात हम कर रहे हैं कॉम्प्लिकेटेड बात में हम ये बोल रहे हैं कि आप अगर कंप्यूटर में ऐसा हार्डवेयर बना जो हार्डवेयर एक बिट को प्लस माइनस समझ लेता तो आप प्लस 127 से माइनस 127 में लिख पाते और साथ ही साथ जीरो को दो तरह से लिखते लेकिन टूज कॉम्प्लीमेंट से क्या हुआ कि टूज कॉम्प्लीमेंट से प्लस 127 तो हम लिख ही पा रहे हैं साथ में एक माइनस 128 के लिए भी एक तरीका निकल गया हमारे पास ये वाला तरीका जैसे माइनस 128 होगा तो वो माइनस 128 कहाँ से आया तो जीरो जो दो तरीके से लिखा जा रहा था उसमें से एक तरीका माइनस 128 बन चुका है टूज कॉम्प्लीमेंट में ठीक ये मेरा डिस्कशन का लास्ट पॉइंट है यहाँ तक मैं दिमाग को साफ नहीं क्लियर कर दीजिए और इसके बाद कोई डिफिकल्ट चीज आप नहीं आएगा हो गया जो होना था हो गया ऑफ कर दीजिए क्या ऑफ कर नहीं पहले और थोड़ा बात है नहीं समझ कुछ समझ नहीं आया 128 नहीं समझ में आया बता रहे हैं एक बार फिर से जीरो नहीं चलिए हाँ ये जीरो
और हमारे पास 0000000 हाँ ठीक। करिश्मा ये नंबर को डिसाइड करना है क्या क्या बोलेंगे हाँ नहीं पहले तुझे पॉजिटिव है नेगेटिव पॉजिटिव है तो इसमें लगाइए ग्रीन साइन प्लस प्लस नंबर को कैसे पढ़ा जाता है पूरा नंबर को पढ़ लिया जाता है तो पढ़ेगी तो कितना है 128 अगर आप आपका क्वेश्चन पेपर में वो इतना सारा जीरो दे देंगे तो बोलेंगे कि 128 है कितना है जीरो आया ना हाँ जीरो नहीं आया जीरो कितना भी दे दिया जाए बहुत अच्छा बात नहीं है ठीक तो ये आया प्लस जीरो आया ठीक आगे अब क्या है कि वन भी दे दिए और उसके बाद जीरो 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 दे दिए हमको ये बताइए पहले पता है साइन बिट के हिसाब से साइन बिट कि इसको कंप्यूटर क्या डिसाइड करेगा नेगेटिव है तो इससे तो खराबी है ना ये तो नेगेटिव में गया ठीक ये खराब नंबर है ये नेगेटिव है ये साइन बिट में नेगेटिव जीरो होता होता ना ये नेगेटिव और ये जीरो लेकिन टू जगह होता तो क्या होता नहीं अभी ध्यान देना है अभी नहीं हुआ अभी समझे नहीं ठीक आगे ये जो है वन ये वन को क्या डिसाइड किया नेगेटिव नेगेटिव नंबर को टू कॉम्प्लीमेंट में कैसे पढ़ा जाता है अभी पूरा पढ़ा जाता है अब ये मत सोचिएगा फिर तो नेगेटिव आ जाए नहीं एक बार हो गया जो हो गया एक ही बार अब ये मैग्नीट्यूड है मैग्नीट्यूड कितना है 128 तो ये माइनस 128 कौन सा ये वाला ये माइनस 128 है जबकि साइंड में ये माइनस जीरो जा रहा है ठीक है अगर आप साइंड बिट यूज करेंगे तो जीरो दो तरीके से दिखाएगा और आपका जो रेंज होगा वो कम हो जाएगा प्लस 127 से माइनस 127 लेकिन अगर आप प्लस को रिड्यूस करेंगे तो आपको प्लस 127 वहीं पे है माइनस में इधर आप ज्यादा लिख पाएंगे वन और सब्जेक्ट क्लियर है ठीक है ना अच्छा कॉपी करना खुद कर लीजिए बदली करना खुद कर लीजिए नोटेशन टू रिप्रेजेंट नंबर्स इन नेगेटिव ऑल द बिट्स बिट्स ऑफ द नंबर आर इनवर्टेड यहीं पर जो लिखेंगे वही आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा तो एग्जांपल 0001 0 0 0 1 0 1 0 0 is equal to देखेंगे अभी थोड़ा पूछते भी जाए इसे कुछ तो बस तो बार ये नंबर को कंप्यूटर पढ़ने जा रहा है अब बताइए क्या करेगा प्रश्न के पॉजिटिव नंबर है ना पूछा ठीक है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है तो क्या करेगा पढ़ लेगा डायरेक्ट पढ़ लेगा तो पढ़ा तो आया प्लस 20 आया अब कैसे आया 1 2 4 8 16 बस ठीक तो पढ़ लिया तो अब यहाँ पर लिखना है माइनस 20 वंस कॉम्प्लीमेंट में वंस कॉम्प्लीमेंट बताइए हाँ बोलिए नहीं वो टूज था वो टूज था रिवर्स कर देता है ये था 1 1 0 1 0 1 1 हाँ तब टू होगा लेकिन अभी तो ए भी नेगेटिव ही है लेकिन वंस कॉम्प्लीमेंट में लिखा हुआ है पढ़ते समय चलिए कोई थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं निरंजन इसको कंप्यूटर पढ़ने वाला है तो पढ़ते समय क्या देखेगा नेगेटिव इससे वो नेगेटिव हो जाएगा अब क्या करेगा उल्टा हो जाएगा तब रिवर्स कर लो पूरा उल्टा हो जाएगा ये तो उल्टा वाला केस है ये अलग टाइप का केस है ठीक उल्टा वाला सीधा ठीक तो ये हो गया हमारा माइनस माइनस राइट
ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा दूसरा है तो ये हो गया हमारा वॉर्म्स, ऐसे बोलते हैं वॉर्म्स कॉम्प्लेमेंट। नंबर टू टूज कॉम्प्लेमेंट, in this notation to represent a number in negative, one is added to the one's complement of the one's complement of the number. तो इसमें लिख रहे हैं 0 0 0 1 0 1 0 0। संचिका कंप्यूटर कैसे पढ़ेगा इसको? पॉजिटिव है तो क्या करेगा? पूरा पढ़ लेगा। तो प्लस 20 ठीक ना। पूजा इसका नेगेटिव बताइए कैसे करें? अच्छा पहले वन्स कॉम्प्लीमेंट होते हैं, वन्स कॉम्प्लीमेंट होते हैं, वन्स कॉम्प्लीमेंट से होता है जब बोलिए वन वन जीरो वन जीरो वन वन। हम वहाँ लिखे हैं कि इसमें एड वन जोड़ेंगे ठीक। तो ऐसा करते हैं इसको हम डेट करते हैं राइट, पता लगेगा नेगेटिव ठीक। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि इसमें और वन जोड़ो तो टू हो जाएगा। तो यहां से ये दोनों जोड़े वन जीरो एक बाइनरी, तो वन जीरो मतलब जीरो नीचे और एक कैरी वन, फिर वन वन फिर जीरो आ जाएगा, कैरी वन फिर वन यहाँ जाएगा। ये तो बात वैसी है ठीक, ऐसे भी हमें ऐसे मिलाते तो आ जाता। तो ये जो हो गया हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट। ये जो है ये भी इसका वैल्यू भी माइनस 20 है, इसका वैल्यू माइनस 20 है। ये लिखने का तरीका वन्स कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं और ये लिखने का तरीका टूज कॉम्प्लीमेंट होता है। कुछ करें नहीं समझ समझ गए। तो ये हम इधर करके लिख दे रहे हैं कि ये जो है ये टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर रिप्रेजेंटिंग माइनस 20। माइनस 20 को देने के लिए टूज कॉम्प्लीमेंट है और ये वन्स कॉम्प्लीमेंट, दोनों का यही फर्क ठीक है ना। मंडे को अपन क्या बोल रहे थे, क्या सारे नौ बजे से प्रॉब्लम है? एक आदमी प्रॉब्लम है नहीं है सुजीत सर क्लास नहीं, वो नहीं, हम बोल रहे हैं कि जो उसका पहला क्लास छूट गया है हम लोगों को बुला लेना चाह रहे थे। ये आ सकती है, आप आ सकते हैं, जूली आ सकती है, आप अगर तो कंटिन्यू कर ही रहे हैं। ध्यान करना है क्या? अच्छा तो करना है। पूजा पहले क्लास की थी नहीं बजे रखिए क्लास, कन्फर्म आएगी तो रखेंगे 11 बजे के दिन मंडे। मंडे जूली आ ही जाएगी, प्रतीक भी आ गया, yes, आप भी आ रहे हैं। तो 11 बजे आप लोग आइएगा, बाकी लोग थर्सडे में पॉजिटिव नंबर है तो कंप्यूटर कुछ नहीं करेगा, तो बस कॉम्प्लीमेंट हो गया, मतलब
नेगेटिव नंबर है ये सर प्लस वन के में क्या है ना वॉल्स कॉम्प्लीमेंट निकाल के वॉल्स जब जोड़ देगी तो टूज कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। हम लोग क्या करते हैं ट्रिकी वे में कर रहे थे। ट्रिकी मतलब क्या जीरो का जीरो और ये नंबर का जीरो का जीरो वन का वन मतलब कैसा उल्टा। हम लोग इतना स्टेप छोड़ दे रहे थे। हम लोग देखिए जीरो का जीरो वन का वन जीरो का वन वन मिल गया ना। वन मिलने के बाद उल्टा करते हैं। हाँ मतलब कहने का मतलब ये ना इस नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेगी तो या तो वन कॉम्प्लीमेंट निकाल के वन जो घेर कर दीजिए या फिर सीधा ओरिजिनल नंबर में चलिए। ओरिजिनल का जीरो का जीरो जीरो का जीरो वन का वन मिल गया और बाकी सब उल्टा यानी जीरो का वन वन का जीरो जीरो का वन जीरो का वन जीरो। ये स्टेप छोड़े थे ट्रिकी में अब ऊपर दिखा दिए फाइनली दिखा दिए। हाँ आपका प्रश्न आप पूछ रहे हैं कि अच्छा आपको तो प्रोग्रामिंग के हिसाब से बता दें लिखे कि एक्स इज इक्वल टू टेन फिर लिखेंगे y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्रोग्राम में तो कंप्यूटर तो कहीं ना कहीं पर करेंगे लिखेगा करके लिखेगा तो वो लिखा ऐसा लिखा। आप बोले y इज इक्वल टू माइनस एक्स तो फिर y में भी तो कुछ लिखा अपने माइनस एक्स तो कैसे लिखेगा वो ऐसे लिखेगा। वो जब लिखेगा यहाँ लिखा जाएगा प्रैक्टिकली लिखवाए आप तो जीरो 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 वन जीरो वन जीरो जीरो आप बोले वाई में लिखो तो वाई वो कैसे लिखेगा जीरो जीरो वन वन जीरो वन 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 वो लिख कर लेगा। आप कभी पूछेंगे ना प्रिंट वाई आप प्रिंट वाई बोलेंगे तो इसको प्रिंट करना है तो ये देख के बोले क्या प्रिंट कर क्या बोले नेगेटिव प्रिंट करेगा। अब मैग्नीट्यूड में क्या करेगा फिर से जीरो जीरो वन और जीरो वन जीरो जीरो रिवर्स करेगा फिर से प्रिंट किया जाएगा तो माइनस लिख कर लिख देगा। कंप्यूटर इंटरनल बात बता रहा है कंप्यूटर अंदर बिठा कंप्यूटर में कहा वैसे लिखा रहेगा स्क्रीन पर हमारे छोटे दिखेगा लेकिन अंदर बैठा चाहिए ठीक। अब तो अपने से काम कराएंगे एक का तो हेल्प किया हम लोगों बेटा हम लोग बात किए थे कि रिप्रेजेंट करने का तो दिखाते हैं आप यहाँ से आगे बढ़ना बढ़ा रहे बात इन टूज कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट नोटेशन नोटेशन इन वन बिट द नंबर्स फ्रॉम द फ्रॉम एन गैप टू ए गैप कैन बी रिप्रेजेंटेड रिप्रेजेंटेड। तो फिर से यहाँ पे बना ले तो क्या कंप्यूटर काम करने वाला है। माइनस 128 टू प्लस 127
128 और पॉजिटिव में कितना 127 ये जीरो हो जाएगा पॉजिटिव जुड़ी क्लियर है धन्यवाद यस क्लियर है सबको ठीक है तो यहां पर हो जाएगा प्लस 127 हमको ब्रैकेट में 2 का पावर में लिखना है ऐसा 2 का पावर में क्या लिख 2 का पावर 10 2 to the power 8 minus 1 2 to the power 7 2 to the power 7 n का क्वेश्चन नहीं क्योंकि हम 8 बिट दे चुके हैं तो फिर n कहां से आएगा पावर 7 हो जाएगा 2 टू द पावर 6 2 टू द पावर 7 कहां पे बोलिए 2 टू द पावर 7 माइनस 1 या प्लस लिख दें प्लस है ना ठीक वहां पे माइनस 2 पावर 7 2 टू द पावर 7 2 टू द पावर 7 7 प्लस 1 माइनस 7 माइनस आगे में आ जाएगा नोटिस में हां टू द पावर प्लस एक इससे प्लस 1 करें अगर इससे प्लस 1 करें तो इससे कितना इससे कितना ज्यादा हो जाएगा 2 ज्यादा हो जाएगा प्लस 1 यहां से एक अगर माइनस हटा देगी तो 1 ज्यादा अगर प्लस 1 एक बार करें इसमें तो 1 ज्यादा होगा तब तो टू द पावर 7 हो जाएगा अब फिर प्लस 1 आप करेंगे तो 2 ज्यादा हो जाएगा माइनस माइनस 1 ले लेंगे एक जोड़ना चाह रही है एक ज्यादा बोलना चाह रही है तो यहाँ पर प्लस 1 लिखेगा यहाँ पे लिखने के लिए प्लस 2 अब बोल रही है एक ज्यादा तो एक ज्यादा आप अगर बोलें 2 टू द पावर 7 प्लस 1 तब तो और एक जोड़ क्या आप कुछ कंफ्यूजन हो गया क्या बात आप बोल रहे 2 टू द पावर 7 प्लस 1 7 ही होगा इससे कितना ज्यादा होगा सर 2 टू द पावर 7 जितना लिखे हैं उतना ही होगा सर 2 ज्यादा होगा देखिए इससे एक ज्यादा 2 टू द पावर 7 माइनस में डाल दीजिए एक ज्यादा हो 2 का मतलब है ठीक आप सही बोले हैं यहां पर 2 टू द पावर 7 ही होगा उससे ज्यादा यहां पर 2 टू द पावर 7 होगा क्योंकि एक ज्यादा है ये तो एक हटा दीजिए इसको ठीक दूसरा एंगल यहां पर दिखाएंगे एंगल वो दिखा रहे हैं कि क्यों ऐसा हुआ क्योंकि इसमें इस केस में इतना सारा बिट यूज हो रहा है पॉजिटिव केस में तो ये 2 टू द पावर 7 माइनस 1 है ना यहां तक होता 2 टू द पावर 8 माइनस 1 2 टू द पावर 7 माइनस 1 और कहां पहुंच रहा है यहां पे क्या है ये तो 2 टू द पावर 7 ही है ना 2 टू द पावर 0 2 टू द पावर 1 2 टू द पावर 2 2 टू द पावर 3 ऐसे से 100% बाकी सब ऑफ क्लियर है सो मत क्लियर ना कि डाउट फंस गए क्या पे अच्छा यहाँ देख लीजिएगा दिखा देगा देखिए ये वाला नंबर को लिखना चाह रहे ना इसको तो क्या यहाँ क्या लिखे 0 21 22 23 24 25 26 27 तो 27 ही कौन है ना बाकी सब ऑफ है तो ये हो गया 27 ये वाला 128 वाला माइनस में और यहाँ पर क्या है इतना तो ऑन है सब ऑन है जो सब ऑन रहते हैं तो उसको बगल वाले से कम करते हैं फिर कर सकते हैं क्या हुआ सही ना क्लियर है करिश्मा नहीं क्लियर तो यार मुझे आज एक मंडे को ठीक मंडे को सुबह हम लोग क्लास कर दिया ना मंडे को सोना है तो मैच के बाद हम क्या करेंगे इंग्लिश मंडे को नहीं ठीक है चलिए मैसेज भेज चाहिए आप लोगों को मंडे का प्रॉब्लम हो रहा है ना फिर आपको एडवांस कितना मिल रहा है अच्छा कब का है क्या प्लान है अच्छा बात कर अच्छा एनी वे 11 बजे क्लास होगा अभी तो डेढ़ घंटा पढ़िए क्या करेंगे ना फिर 11 बजे माइंड क्लास है
चेक करें इसमें आधा दिक्कत है तो आना पड़ेगा क्वेश्चन तो मेरा आगे कब है इसको दिखा रहे हैं लिख रहे यहाँ पर फिर से 8 फिक्स इज इक्वल टू 1 पॉइंट ठीक अब क्या लिख रहे हैं अनसाइंड अनसाइंड ठीक है समझिएगा अनसाइंड 0 2 कितना 255 अब यहाँ तोड़ रहे हैं क्या साइन साइन तो साइन में ऊपर तक कहाँ तक पहुंचे प्लस 127 टू डी परसेंट माइनस वन और नीचे में कहाँ तक पहुंचे माइनस टू माइनस टू अच्छा एग्जाम में एक ई सब आएगा वो जो समझा रहे थे उसे भी खास मतलब नहीं है एग्जाम में ऐसी आता है कि कितना अनसाइन में कितना साइन में कितना तो अब इधर इधर लिख रहे हैं अब आपको बता 16 बिट 2 बाइट्स एक ऑन साइन कितना लिखें 0 से ठीक अब आप लोग का खुद का काम है कि ठीक ठीक ऐसा ऐसा कुछ 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 कर लिखो सर पॉजिटिव में माइनस 32768 और पॉजिटिव में हो जाएगा 32767 सही है सर समानता ढूंढिए और समानता ढूंढ करके काम करते
सिंपल सा बात है कि अगर यहाँ पर 2 to the power 16 यहाँ 8 है तो यहाँ 7 है, इतना तो क्लियर है। तो यहाँ 16 है ना, माइनस क्या प्लस है ना, नहीं माइनस, उधर मैं क्या लिखूँ, ऊपर प्लस प्लस 2 to the power, ये तो क्लियर है कि जाएगा। और यहाँ पर 8 है तो यहाँ पे 7, तो यहाँ पर 16 है, टू द पावर 15 है ना, होता तो रीजनिंग वाला बात हो गया, इतना होता है। अब अगला, हाँ अगर ये 255 है, अगर तो इसका आधा कीजिए, आधा इसका आधा, करीब करीब 127 हुआ, लगभग 127.5 को छोड़ दीजिए, 0.5 यहाँ भी तो है ना, 127 है, ये 0.5 किधर आ गया, ठीक। तो आधा आधा का चक्कर है, इसको पढ़िए, आधा इधर आधा इधर करिए, तो इसका भी आधा आधा करेंगे तो आपको चाहिए, तो आधा का तो आसान है, 3 2 7 6 7 और 3 2 7 6 8 माइनस, ठीक है ना, ये रीजनिंग का, ये वैसे क्वेश्चन का जानने के क्वेश्चन, लेकिन डेटा तो आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ, तो हम लोग पढ़ क्या लिए अभी तक हम लोग पढ़े बाइनरी नंबर्स, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, और बाइनरी नंबर को कंप्यूटर में कैसे यूज करते हैं, ठीक, डोज कॉम्प्लीमेंट नोटेशन। फिर हम लोग ये देखें कि कंप्यूटर का जो बाइट है वो तो कितना बाइट में कितना नंबर फटेगा, ठीक, यही सब आप देखें। तो हम लोग ये वाला प्रोसेस खत्म कर देंगे, हमारा जो काम जो बच गया, जो बहुत ही आसान सा काम है, ये बच गया ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। ये बहुत ही आसान चैप्टर है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको फिनिश करेंगे।